सीबीआई काम कैसे करती है? अगर हमारा देश 1946 में आजाद हुआ तो ये 1941 में कैसे बन गई? सीबीआई के ऊपर लालची लगता है कि सीबीआई को तो पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, तो करती कैसे? अगर नहीं करती तो इसे कंट्रोल कौन करता है? सीबीआई के अंदर करप्शन है या सीबीआई इंडिपेंडेंट? तो सीबीआई 10,000 के बजट पे स्टार्ट हुई थी, वो 911 करोड़ तक कैसे पहुँच गई? तो इसकी कहानी बड़ी रोमांचक है। तो इस बात की शुरुआत होती वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब करप्शन बहुत सारा था। और वो होता कैसे था, मान लो कि यहाँ कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को कहती है कि ये सामान मार्केट से लिया। अब वो जाता है दुकानदार के पास और वो सामान लेता है जो कि 30 रुपए का होता है, और वो दुकानदार को कहता है कि इसका बिल 100 रुपए का बना। दुकानदार को 30 रुपए देता है और बाकी के जो बचे 70 रुपए वो अपने जेब में रख लेता है। अब वो चले जाता है ऑफिस में, ऑफिस में वो सामान देखे, वो कहता है कि सर 100 रुपए का बिल बन गया। अब जो उस बिल को पास करता है वो कहता है कि भाई 30 रुपए दे वरना मैं इस बिल को पास नहीं करूंगा। अब उसने 70 रुपए कमाए हैं तो उसमें से वो 30 रुपए उसे दे देता है। अब देखो यहाँ पे तीनों ही लोगों का कुछ नहीं गया, अब सारा का सारा पैसा कंपनी के पास से चले गया। अब जो चीज 30 रुपए की थी वो कंपनी को 100 रुपए में पकड़ा दी। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब बहुत सारा बल्क में सामान खरीदा जाता था आर्मी के लिए, इसी बीच बहुत सारे ऑफिसर ऐसे ही करप्शन करते थे। क्योंकि ये मान लो कि किसान से 2 रुपए किलो गेहूं लेते थे, वैसे घुमा फिरा के गवर्नमेंट को 10 रुपए पकड़ा देते थे। अब जो ऊपर बैठे हैं उन्हें ये तो पता था कि नीचे करप्शन हो रहा है, पर हो कैसे रहा है और पकड़े कैसे, इसके लिए इन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट में एक सीक्रेट ग्रुप बनाया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और उसके लिए एक सीक्रेट पेपर भी बनाया ताकि उस ग्रुप को बताया जा सके कि ये आपका काम है कि यहाँ पे जो भी करप्शन हो रहा है उसे ढूंढना और इसको खोज के सामने लाना। और ये जो ग्रुप होता है वो बहुत सारे करप्शन को तो निकाल तो लेता है, बट यहाँ परेशानी आती कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो कोई इन ऑफिसर की बात को सीरियस में नहीं लेता, उनकी कोई बात ज्यादा मानता नहीं। तो जो इस ग्रुप के हेड होते हैं वो एक तो ये फिर से एक चिट्ठी लिखते हैं अपने हेड को कि हमारे जो ग्रुप है उसकी ताकत डिफाइन करें और उसको नोटिफिकेशन में बताए कि ये ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है और ये करप्शन के लिए बना है और ये जब चाहे कहीं पे भी छापा मार सकता है। जो चिट्ठी भेजी जाती है वो भी एकदम टॉप सीक्रेट रखी जाती है। अब जो हेड होते हैं डिप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, उनके चिट्ठी भेजने के बाद एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है ताकि इन लोगों को ताकत दी जा सके और ये अपना काम अच्छे से कर सके। और इसी की वजह से नया कानून बनता है जिसका नाम स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट रखा जाता है, और आज दिन तक हमारी सीबीआई इसी की वजह से चल रही है, और हमारी सीबीआई को जितनी भी ताकत मिलती है वो इसी कानून से मिलती है। अब आप सीबीआई के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती है वो सीबीआई के डायरेक्टर की होती है। सीबीआई का डायरेक्टर राजा होता है सीबीआई का, वो चाहे तो किसी भी केस को रफा दफा कर सकता है और वो चाहे तो किसी भी केस को बहुत ज्यादा उछाल सकता है। इसलिए इस पोस्ट में हमेशा हाई रैंकिंग ऑफिसर ही बैठते हैं, मोस्टली आईपीएस की श्रेणी से लिए जाते हैं, और वो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा। अब ये पोस्ट इतनी महत्वपूर्ण है तो इसको अगर पॉलिटिशियन के हाथ में दे दिया जाए तो वो जब चाहे किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हैं और जब चाहे अपने पसंद के डायरेक्टर को बिठा सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए उसको निकालने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन कर दी गई है। अगर सीबीआई के डायरेक्टर निकालना है तो एक कमिटी बनती है, उस कमिटी में पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी लोकसभा में है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ती है एक डायरेक्टर को बाहर निकालने के लिए, और ये तीनों ही लोग एक सहमति पे आए ये बहुत ही मुश्किल है, तब तक जब तक सीबीआई का डायरेक्टर वाकई में करप्ट इंसान ना हो। अब हर पॉलिटिकल पार्टी इस सीबीआई पे अपना कंट्रोल चाहती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके अपने फायदे के लिए, पर सीबीआई के ऊपर ऐसा नहीं करप्शन के चार्जेस कभी लगे ही नहीं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई एक तोता है जो अपने मालिक के कहने पे चलता है। इन्होंने सीबीआई में काम किया है ऑफिसरों ने, उन्होंने भी करप्शन के बारे में पोल खोली है, उसमें से एक BR लाल है जिन्होंने अपनी बुक हु ओन सीबीआई, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि कैसे सीबीआई में करप्शन होता है और कैसे केसेस में मैनिपुलेशन होता है। ऐसा भी नहीं कि सीबीआई काम नहीं करती, सीबीआई ने बहुत ही बड़े बड़े केसेस हैंडल किए। उसमें सबसे अच्छा केस ये है प्रद्युमन ठाकुर वाला, जिसमें रियान इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके अंदर हरियाणा पुलिस एक कुमार नाम के व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसे 2 दिन तक खाना नहीं देती, उसे टॉर्चर करती है ताकि वो हाँ कह दे कि उसने ही खून किया है, और एट देन होता भी यही है। बट जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और सारे सबूत जुटाती है तब पाया जाता है कि एक 16 साल के बच्चे ने किया है, और फिर जो कुमार नाम का व्यक्ति है उसे छोड़ा जाता है। यूं तो सीबीआई अपने आप में नया भी इंडस्ट्री जो कि हमारे पैसे से चलती है, लेकिन अगर ये थोड़ा अपने आप पे और ध्यान दे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है।